हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए संजय मुंधड़ा और इनकम टैक्स और जीएसटी ये दो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और पिछले 8 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनकम टैक्स और जीएसटी के एक एक चैप्टर्स म्यूजिकल फॉर्मेट में यदि ट्रांसलेट हो जाए तो मेरे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में रिविजन्स करने में बड़े ही कंफर्टेबल रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि किसी का भी कोई चैप्टर छूटेगा नहीं, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो 3 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइंड कर देती है। आपने इसके मेरे बहुत सारे डेमोंस्ट्रेशन यूट्यूब में देखे होंगे, परंतु अभी मैं आपके पास आया हूं कुछ नया और कुछ कंप्लीट सा लेकर। आप इस वीडियो के बाद, मतलब जस्ट मेरे जाने के बाद, आप अभी ये वीडियो जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स, सारे मुख्य मुख्य चैप्टर्स लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस, लाइक एग्रो इनकम, लाइक 5 हेड्स सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईफोस, डिडक्शंस, ये सारे मेन चैप्टर्स के म्यूजिकल फॉर्मेट, म्यूजिकल गाने, सारे टैक्स के चैप्टर्स म्यूजिकल फॉर्मेट में वन बाय वन, एक के बाद एक लाइन से कन्वर्टेड मिलेंगे। इसमें से हो सकता है कुछ आपने मेरे YouTube चैनल में देख लिया, लेकिन बहुत सारे अभी आपके देखने बाकी है। तो लाइन से सारे चैप्टर्स, इसके अलावा दो और है, ये सारे चैप्टर्स अभी आप इसी वीडियो में आगे जाते हुए देखेंगे। इससे आपका रीकैप बहुत जल्दी होगा, आपके कोई चैप्टर्स छूटेंगे नहीं, आपका टैक्स में कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये सारे गाने बार बार सुनने होंगे और साथ साथ गुनगुनाने होंगे। आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए, इसी पे हम लोग लगे हुए हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय। Beyond cool. Hello friends, टैक्स म्यूजिक यानी टैक्स के सारे प्रोविजंस म्यूजिक में ट्रांसलेट करना, इस काम में मैं पिछले 8 साल से लगा हूं। और मुझे खुशी इस बात की कि अब मैंने टैक्स के सारे चैप्टर्स म्यूजिक में ट्रांसलेट कर लिया। इस सीरीज में मैं आपके सामने अपना पहला सॉन्ग प्रेजेंट कर रहा हूं आरएस। इसी सीरीज में आप लाइन से सारे चैप्टर वाइज गाने सुनते रहना। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, 63-65 दिन क्या रहते हो, इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो, 61C के 3 एक्सेप्शन। एक इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाए, एक इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिप का मेंबर है वो शिप के साथ बाहर जाए, और एक इंडियन सिटीजन जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, केम इंडिया फॉर विजिट पर्पज। सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट को जाए, इंडियन शिप का मेंबर जो शिप के संग जाए, बाहर का जो इंडियन बाहर ही रहता है, बस मिलने के
लिए जो इंडिया में आता है, ऐसे लोगों पे तुम 6-1-6 रहने दो। इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। HUFRS, HUF is said to be resident in India यदि उसका business India में थोड़ा या पूरा control हो, और एक HUF जिसका कर्ता 6-6 की दोनों condition fulfill करे, उसे हम लोग बोलते हैं OR। एक HUF जो थोड़ा भी India से control हो, उसका कर्ता 6-6 को फुलफिल करता हो। इंडियन कंपनी सारी रेसिडेंट ही होगी, फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में जब होगी। फर्म का थोड़ा भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो। इंडिविजुअल 182 दिन रहते हो। इस तरीके से आरएस का सारा थ्योरी पार्ट हमने सिर्फ 4 मिनट के म्यूजिक में कवर कर लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और चैप्टर 4 मिनट में रिवाइज करें। थैंक यू। जिसमें आप छठ पूजा मनाने के साथ साथ एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर भी याद करेंगे, दोहराएंगे। एग्री लैंड इंडिया में भाड़े पे दे, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। एग्रो एक्टिविटी करे इंडिया में, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। महंगी घाटे पाहु जाए, एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेस कर मार्केट करे, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। महंगी लचक ये अभी हम एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन बता रहे हैं। वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट, 2 पॉइंट अभी और आएंगे। एग्रो प्रोड्यूस कल्टीवेटर बेचे तो, एग्रो इनकम बोलो उसको तुम। महंगी के कराके जाए, फार्म हाउस खेत के बाजू में हो, फार्मर रहो उसमें तुम। खेत पे लगान दो या रूरल लैंड, एग्री इनकम बोलो उसको तुम। महंगी उनका के जाए,
लोग एग्रीकल्चरल इनकम के सेकंड फेज में है, दैट इफ देयर इज एनी इंटीग्रेटेड एक्टिविटी देन हाउ टू सेग्रीगेट एग्रो इनकम एंड बिजनेस इनकम. Degrowing manufacturing business 60-40 karo uska tum mahangi lachaka jaan coffee powder bana ke beche jo 60-40 karo uska tum mahangi ghate कॉफी नट फॉर्म में बेचे तो 75 करो तुम महंगी उनका के इंटीग्रेटेड एक्टिविटी के दो पॉइंट हमने कवर किए, टी एंड कॉफी. अभी दो पॉइंट और बाकी है, रबर and others. Rubber growing manufacturing business 65 karo uska tum और कोई इंटीग्रेटेड एक्टिविटी दो पीएल खोलो उसमें तुम महंगी छठ मैया के जाय इंटर ट्रांसफर डेबिट क्रेडिट जो करो मार्केट वैल्यू करो उस पे तुम महंगी so that they can learn perquisite in a very classy manner. RFA may 15% salary, car may 1800 per month taxable, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल. गार्डनर है दिया अपना घर भी दिया तो फिर गार्डनर को दे देना तुम एग्जेम्पशन. RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल. मैंने गाने को जानबूझ के स्लो किया है ताकि वर्डिंग्स आप समझ पाए. गिफ्ट इन काइंड 5000 को छोड़ के टैक्स करो. सुपर एन्युएशन डेड लाख को छोड़ के टैक्स करो. एसेट यूज करने पे 10% ऑफ कॉस्ट करो. एसेट सेल में WDV कैलक्यूलेट करो. होटल फैसिलिटी 24% सैलरी पर 15 दिन का दे देना तुम एग्जेम्पशन.
RF में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल 15,000 को छोड़ के टैक्स करो, MIP exempted, LIP को टैक्स करो, खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैक्स करो, इस ऑफ के शेयर मिले तो कंसेशन को टैक्स करो, लिबरल जो मिले फैमिली भी चले तो फिर दो बच्चों का दे देना तुम एग्जेम्पशन। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। हेलो फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GAV, और GAV निकालने का स्टेप इन से फर्स्ट स्टेप आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालिए, उसमें आप म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में से जो हायर है उसे सिलेक्ट करिए, RER स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर आप एनुअल रेंट निकालिए, दोनों में से जो हायर उसे सेलेक्ट करिए, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस। Let's start musical version. MBFR में जो भी हो हायर, RER कर, ARR कंपेयर कर, लॉस वैकेंसी का लेस तू कर, प्रिंसिपल टैक्स ओनर भाई पे कर, फिर लेस तू कर, NB सेट तू कर, 30% लेस तू कर। प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट निकालते समय इंटरेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम लोग 5 साल में अलाउड करते हैं, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को हम लोग हर साल अलाउड करते हैं। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में NAV हमेशा 0 और इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंटरेस्ट को प्री पोस्ट में डिवाइड करना होगा, प्री
पाच सा होष्ट हर सा माइनस करना होगा ऐसो प्रॉपर्टी जो हो एन ए बी जीरो 24 0 दो लाख तक इंटरेस्ट लेस कर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बाद पीएसओ आता है. उसमें दो डिवीजन एरिया वाइज टाइम वाइज. पीएसओ एरिया वाइज में हम लोग प्रॉपर्टी को दो यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे प्रॉपर्टी दो भाग में है. सारे डेटा को दोनों यूनिट्स में एरिया के रेशियो में बांट देते हैं. सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को छोड़ते हैं. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सिर्फ लेट आउट पार्ट में आता है. उसके बाद हम सम ऐसे बनाते हैं जैसे कि वो दो प्रॉपर्टी का सम है. पीएसओ जो एरिया वाइज हो तो यूनिटों में बांट दे हर डेटा आरआर को छोड़ के एरिया रेशियो में बांट दे फिर ऐसे तो सम सॉल्व कर जैसे हो मिस्टर सम हो बिल्कुल सिंपल दो प्रॉपर्टी का मान के कर उसके बाद टर्न आता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज का. पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम वाइज में देर इज नो स्पेशल प्रोविजन. पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट की तरह सॉल्व करनी रहती है. सिर्फ एआरआर हम लोग उतने पीरियड का लेते हैं जितने महीने प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट हुआ. अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड के जैसे ही ट्रीट करते हैं. लेकिन यदि आपके पास अनऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों एक साथ हो तो अनऑक्यूपाइड को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट अनऑक्यूपाइड को लेट आउट की तरह ट्रीट करते हैं. लेट आउट की तरह पीएसओ जो टाइम वाइज हो तो लेट आउट जैसे सॉल्व कर अनऑक्यूपाइड तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के जैसे ही तू सॉल्व कर ऐसो यूओ दोनों जो हो तो यूओ तो ले डीएलओ मामले देखा ये कितना इजी सा चैप्टर इस तरीके से पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपका फिनिश हो गया. 25A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, ये आप ध्यान रखना. थैंक यू. से डर लगता क्या और मेरे संग 5 मिनट आता क्या कुछ भी नहीं है टफ टफ
मेरे संग चल भाई रट रट। इनकम टैक्स तो है डिसअलाउ, आईडीटी सारे अलाउ, डिविडेंड सीडीटी डिसअलाउ, इंटरेस्ट पेड अलाउ, प्रोविजन रिजर्व डिसअलाउ, फेस्टिवल के खर्चे अलाउ, पॉलिटिकल विज्ञापन डिसअलाउ, एबनॉर्मल लॉसेज अलाउ, कैपिटल रिपेयर डिसअलाउ, करंट रिपेयर अलाउ, रेंट टू प्रोप्राइटर डिसअलाउ, रेंट टू पार्टनर अलाउ, डेप्री अकाउंट्स वाला एडिटर, डेप्री टैक्स वाला लेसकर, रिसर्च के लिए डोनेशन दे, बहुत ज्यादा डिडक्स ले, प्रिलिम एक्सपेंस का खर्चा, पांच सालों में बट जा, बीआरसी को पेमेंट कर, पांच सालों के मजे कर, स्टूडेंट तुझे पीजीपी से डर लगता क्या, चिल्ला चिल्ला यू पढ़ता क्या, तीन बार यू दोहराएगा, सब इजी हो जाएगा, रोते रोते जो पढ़ेगा डेफिनेटली तू मरेगा, धंधे में रिश्ता लगाएगा, एक्सेस गोल हो जाएगा, कैश में खर्चा मत कर पिल्लू, बन जाएगा उल्लू, छह खर्चों का ध्यान रख, ड्यू डेट से पहले पे कर, अकाउंट्स जो ना बनाएगा 25,000 की खाएगा, ऑडिट नहीं जो कराएगा 1.5 लाख की खाएगा, प्रिजम्प्टिव इनकम में आ जा, 8% इनकम मान जा, लॉरी जो तू चलाएगा 7.5 इनकम लगाएगा, प्रोफेशन वालों आ जाओ 50 इनकम मान जाओ, स्टूडेंट तुझे पीजीपी से डर लगता क्या, मेरे संग गाना गाया क्या, बंगाल में हम गाए हैं, मुंद्रा सर जी बनाए हैं, अच्छा लगा तो लाइक मार, लव यू प्यार प्यार, अरे थैंक यू लव यू प्यार प्यार, अरे थैंक यू लव यू प्यार प्यार। कैपिटल गेन चैप्टर में जब मैंने म्यूजिकल ट्रांसलेशन बनाने की सोची तो पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल ही नजर आया। सिर्फ इसका डिडक्शंस वाला पार्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी है, तो हमने इस सॉन्ग में सिर्फ डिडक्शंस कवर किया है। आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। स्टूडेंट आओ, स्टूडेंट आओ, प्रॉब्लम बताओ सर जी ना होता सी जी का डिडक्शन, डिडक्शन ना हटा टेंशन ना, स्टूडेंट आओ प्रॉब्लम बताओ सर जी ना होता सी जी का डिडक्शन, डिडक्शन ना हटा टेंशन। डिडक्शन स्लाइड सेट्स इन द 54। आपको पता है दिस इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, व्हाट टू ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी,
what to acquire, residential house property, 1, term limit 2 years, 3 years, amount invested, CGDA up. As individual HUF aayega har bech ke ghar kharidega Dixon aayega 2 saal 3 saal ki time out of India लेने से फाइन है एक ही प्रॉपर्टी का प्रोविजन डिडक्शन हटा टेंशन फिफ्टी फोर बी दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ What to transfer? आपको अपना अर्बन लैंड जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है ट्रांसफर करना है What to acquire? आप अपना अर्बन या रूरल एग्रो लैंड ले सकते हो टाइम लिमिट है सिर्फ 2 साल डिडक्शंस अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया उतने का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा CGDA स्कीम इज एप्लीकेबल आई होप ये फास्ट रीकैप आपके काम का है चीज को हमने म्यूजिक में ट्रांसलेट किया है 54 बी में इंडिविजुअल एचयूएफ आएगा एग्रो लैंड बेच के खरीदेगा डिडक्शन पाएगा 2 साल की है टाइम मेरे भाई सीजीडी में रख दो सारी कमाई ना हो कंपल्सरी एक्विजिशन डिडक्शन हटा टेंशन बॉस दे तो है सैलरी बिजनेस का PGBP जो अगर कोई देवे तो आईफोस लगाओ जी जो अगर कोई देवे तो आईफोस लगाओ जी अर मैरिज गिफ्ट नॉट टैक्सेबल रिश्तों को छोड़ दो कोई मरते मरते दे रहा तो टैक्स ना लीजियो कोई मरते मरते दे रहा तो टैक्स ना लीजियो कैश गिफ्ट 50,000 तक छोड़ दो उसके ऊपर फिर टैक्स करो हाँ पूरा पूरा टैक्स करो कैश गिफ्ट 50,000 तक छोड़ दो उसके ऊपर फिर टैक्स करो हाँ पूरा पूरा टैक्स करो साइन में गिफ्ट जो मिले तो जैस को टैच करो चाहे प्योर हो या डीम्ड हो सबको टैच करो चाहे प्योर
एटी सी दो जन डेढ़ लाख ट्रिपल सी एक जन डेढ़ लाख सी सी डी एम्प्लॉयर 10% एम्प्लॉय का भी 10% एटी डी एम आई टी 25,000 मम्मी पापा का भी 25,000 एटी डी डी हैंडीकैप को 75,000 लेस हो डरावनी डरावनी बीमारिया चल साठ अस्सी लेस किया एटी ये लोन है ऊंची पढ़ाई किया कौन है इंडस्ट्री आई से देखे सारा डिडक्शन ले ले एटी जी में सब डोनेशन दो 50-100 का डिडक्शन लो लिमिट में रहना सरकार जी लेस डोनेशन दो 1,000 ही एटी जी जी में आओ रेंट का डिडक्शन पाओ 5,000 की लिमिट है 25% तक सीमित है एटी जी जी ये सबको बिजनेस वाले नो सोशल वाला डोनेशन दो सारा का सारा डिडक्स लो जी जी बी जी जी सी आओ पॉलिटिकल पार्टी पटाओ सारा का सारा डिडक्स लो कैश डोनेशन नो एटी जे जे में आओ जीव जंतु अपनाओ फर्टिलाइजर की मुट्ठी 5 साल की छुट्टी जे जे ए सबको टैक्स ऑडिट तेरी जब हो 3 साल का कवरेज 30% ऑफ एजे एटी क्यू क्यू पी रेसिडेंट हो मुंद्रा सर जैसा टैलेंट हो एटी क्यू क्यू पी रेसिडेंट हो मुंद्रा सर जैसा टैलेंट हो किताबें लिखे जनाब जो 3 लाख इनकम आप हो एटी आर आर बी में आओ पेटेंट रजिस्टर कराओ रेसिडेंट इंडिविजुअल आओ 3 लाख डिडक्शन पाओ एटी टी टी ए दो जन इंटरेस्ट का है डिडक्शन सेविंग इंटरेस्ट होना चाहिए 10,000 डिडक्शन पाइए एटी यू डिडक्शन पैक है रेसिडेंट खुद हैंडीकैप है 75,000 का डिडक्शन देख भाई हट गया टेंशन देख भाई हट गया टेंशन स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या मेरे संग 5 मिनट आता क्या कुछ भी नहीं है टफ चल मेरे संग भाई रट रट 3 बार दोहराएगा सब इजी हो जाएगा अच्छा लगा तो लाइक मार लव यू थैंक यू प्यार प्यार लव यू थैंक यू प्यार प्यार आप वाला पर्टिकुलर जब सेक्शन आ रहा है तो सारी बातें आपके दिमाग से आ रही है कि रिफ्लेक्स सेक्शन से आ रही है दिमाग से भी आना चाहिए शुरू करते हैं स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या मेरे सर 5 मिनट आता क्या कुछ भी नहीं है चल मेरे सर भाई रख रख एक सी दो झंडे ला ट्रिपल सी एक झंडे ला सी सी डी एम्प्लॉय 10% एम्प्लॉय का भी 10% सी सी डी एम्प्लॉय का
जब डिडक्शन का मुझे स्टूडेंट